हेलो डियर फ्रेंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आपका स्वागत है मेरे चैनल अन अकेडमी यूट्यूब विद कृपा शंकर और जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो जो कल का पेंडिंग रह गया था झील और लेक्स के बारे में उसको ही कंटिन्यूस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे और ये जो सब टॉपिक है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है इससे पहले पढ़ने पढ़ाने के तरीके पर आऊं पहले एक बार मैं चेक कर लूं कि मेरा जो साउंड है जो मेरी पिक्चराइजेशन है वो क्लियर यूट्यूब पे आ रही है या नहीं उसके बाद हम इसको क्लास को हम सुचारू रूप से करेंगे चलो बेस्ट तरीके से भी शो हो रहा है और आप सभी का तो स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब अन विद कृपा शंकर और ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ऑन ऑफ की इट्स परफेक्टली डूइंग गुड वर्क जैसे कि अभी आपको मेरी जो स्क्रीन है पूरी ब्लैक कलर की दिखाई दी होगी आई होप चार्जर ना लगाने की वजह से शायद ऐसा हो रहा हो तो एक बार मैं इसको ठीक से चार्जिंग पे लगा लेता हूँ इतने तो कोई स्टूडेंट अभी जुड़ा हुआ भी नहीं है लो, दोस्तों लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस विद अनअकैडमी एज यू नो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इसके बेस पे आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर सकते हो चाहे वह आप घर से कर रहे हो जैसा आप सभी को पता है कि कोविड नाइन्टीन की समस्या पूरे देश में पैनाडेमिक है सर्वव्यापी है और 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 यार आज चल कोई नहीं स्लॉट चेंज कर देंगे हम जो मुख्य रूप से बात की जा रही है वो ये है कि लेट्स एग्जामी you know, तैयारी रूप से कर सकते हो और मुख्य रूप से अन अकेडमी है क्या अन अकेडमी जो है इंडिया का ला सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अभी ये जो मेरा क्या बोलते हैं जो ये पेन टैब है ये पता नहीं कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा आज कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए ताकि इसकी स्लाइड के बारे में भी आपको समझाता चलूं। अगर आप ज्वाइन करते हैं देन विल यू यू गेट छुट गई हैं तो वो स्टूडेंट्स अपने की तैयारियां एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन में भी कर सकता है एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन का मतलब यह है कि ये फोन क्यों आया हेलो हाँ अभी पता नहीं ये क्या समस्या है आज फिर से पैन टैब नहीं चल रहा है इसके बिना क्लास कैसे होगी यार बेसिक रूप से अब uh, में जो है, ये है कि ये आपको देता है फॉर्मेशन में ये क्लासेस आपकी होंगी अगर किसी बच्चे की कोई क्लास छूट जाती है मुख्य रूप से तो होता है क्या है उसको वो एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन में भी देख सकता है एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन का मतलब है कि वो उसको बाद में भी देख सकता है और इसके अलावा आई होप साउंड तो आप सभी को आ रहा होगा जो मुख्य रूप से बात की जा रही है वो यही है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कोर्सेज कोर्सेज हैं का मतलब है ए टू जेड टॉपिक चाहे आपका जो भी जुड़ा हुआ है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा लाइव टेस्ट और क्विज़ हैं जो क्विज और लाइव टेस्ट है वो आपका एबीसीडी फॉर्मेशन में होगा और अनलिमिटेड क्लासेस का मतलब है कि आप चाहे भारतीय किसी भी विलेज में हो किसी भी टाउन्स में हो

जैसे कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ आज भी बताना पड़ेगा मेरा नाम है कृपा शंकर और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है एम इकोनॉमिक्स और दोस्तों मुझे दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में पांच साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और दोस्तों इफ यू 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 एकेडमी एकेडमी एंड सब्सक्राइब देन विल प्रिपेयर योर कोर्सेज विद द टॉप हंड्रेड एजुकेटर्स जो टॉप हंड्रेड एजुकेटर्स हैं वो आपको समय समय पे गाइड गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे हेलो हर्ष यादव जी वेलकम दोस्त और जो यूपीएससी सिविल सर्विस सर्विसमी आपको प्रोवाइड कराएगा uh, कुछ प्लस कोर्सेज हैं कुछ आइकॉनिक कोर्सेज हैं जो प्लस कोर्सेज में है पहले आप ये जो मेरा कोड है इसको समझ लेना के आर आई पी ए वन ये मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से तो आपको जैसे ही सब्सक्राइब करते वक्त यूज करेंगे तो आपको हर फीस फॉर्मेट में दस परसेंट का डिस्काउंट देगा देखो जैसे कि की, है एक की तो 10 का ही आपको चवालीस हजार पांच सौ पचास रुपए का दोस्तों ये जो मेरा कोड है प्लीज आप इसको याद रखना ठीक से और, और, और मुख्य रूप से जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मैं उनको एक बार बताना चाहूंगा कि आप जब अपने ऐप पे अन पर जाएंगे तो प्लीज ये कोड इस्तेमाल करो मेरा वाला के पी ए, एक तरीके से ये एग्जाम के लिए जो है क्यूज टाइप का है क्यूज जो है जैसे कि ये देखेंगे आपकी 6 दिसंबर को ये पहले हो चुका है अब ये 20 दिसंबर को होगा और टाइमिंग होगा इसका ग्यारह बजे दिन में ग्यारह बजे तो इसमें आप देखेंगे कि 45 मिनट का क्यूज होगा 45 मिनट का और 45 के मिनट के क्यूज में जो है आपके 60 क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस में ये जो होगा क्या बोलते हैं तेहरे तेहरे टाइप की कॉम्बेट्स होंगी इसका मतलब है ये क्विज होंगे तो उसके बाद क्या है आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा तो सेलेक्ट करने के बाद जो टॉपर होगा फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक टॉप हंड्रेड रैंकर्स को भी इसमें अवार्ड दुक दी, दी जाएगी सेकेंड रैंक पे एप्पल का आईपैड भी होगा देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो और सपोज करो कि आपकी टॉप रैंक भी नहीं आ रही है सेकंड नहीं आ रही थर्ड नहीं आ रही तो टॉप हंड्रेड में लिया हो ना तो अमेजन वाउचर कुछ ना कुछ तो मिलेगा एक तो आप लोग तैयारियां करेंगे साथ में वाउचर्स मिल जाए कुछ भी तो बेनिफिट है लेकिन आप टॉपर बन जाते हैं मैकबुक या आईपेड मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है तो प्लीज जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो यार मेरा ये जो कोड है ना ये प्लीज देखो दोस्तों इस्तेमाल कर लेना यार मेरा रेफरेंस ले लेना बस काफी है मेरे लिए और कुछ नहीं है और जो आपका मेन फोकस है वो सिक्स मंथ वाले जो बाद में एग्जाम होने वाला है वैसे भी आप सबको पता है दिसंबर चल रहा है 2020 और जो 2021 में एग्जाम होगा वो होगा 27 जून को याद रखना कब 27 जून अब 27 जून को होगा हो सकता है तब तक जो कोरोना वॉर की ठीक ठाक सी वैक्सीन आ जाए आप लोग घूमना फिरना शुरू कर दो तो जून में कहीं प्लानिंग बना लेना जाने के एग्जाम के बाद लेकिन अभी तक तो कोरोना वगैरह चल रहा है तो प्लानिंग कुछ बनाना मत और मेरे ख्याल से लेकिन 27 के बाद जब आप एग्जाम का प्रीलिम्स दे दो तब चले जाना अब इसके अलावा जो वो चैंपियनशिप जो खेल खेलाया जाएगा यानी कि उसके बेस पे तो हो गया आपका एक तैयारी हो रही है उसका एक पार्ट हो जाएगा थोड़ा इंट।

झील्स हैं अगर हर्ष यादव अगर आप मेरे को अभी सुन रहे हो अगर नहीं गए हो तो प्लीज आप मेरे को बताओ तो मैं क्लास शुरू कर देता हूं अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ और नए दोस्तों का तो अभी तक जुड़े हुए होंगे तो आप लोग बताओ मेरे को अगर इफ यू आर देयर आप लोग शायद जा चुके हो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नए जुड़ेंगे कुछ नए जुड़ेंगे कुछ नए जुड़ेंगे वेट कर लेते हैं अभी काफी कुछ बोल दिया है न, अकेडमी के बारे में आई होप आप सब लोग समझ जाएंगे उतने बड़े छोटे बच्चे भी नहीं है आप पहली बात तो ये कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने के लिए बच्चा उतर रहा है ना वो अपने आप को किसी भी तरीके से वो बच्चा ना समझे चलो दोस्तों हम बात करेंगे कुछ नए बच्चे जुड़ जाएंगे तो अब बात कर रहे हैं हम कैशपियन सी से बात करेंगे इससे पहले मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कैस्पियन सी से बात करेंगे कि कैस्पियन सी है मुख्य रूप से इसकी लोकेशन कहाँ पे है इसका फैक्ट क्या क्या है उसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे अब ये कोई भी झील के बारे में बात करेंगे किसी भी लेक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे उस जगह की लोकेशन कहाँ पे है क्या लोकेशन कहां पे लोकेशन का मतलब होता है स्थिति पे है ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है इसको जैसे कि आपने गाना भी सुना है होगा आज ब्लू है पानी पानी करके तो पानी का रंग तो वैसे नीला होता नहीं है जिसमें भी डालो वैसा ही मिल जाता है है ना सभी को पता होगा समझदार हो आप लोग अपवर्तन के कारण कैसे तो ये जो है क्षेत्र है इसे कहा जाता है कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील एक्चुअल में इसका साइज ही इतना बड़ा है कि इसको सागर की संज्ञा दी जाती है और मुख्य रूप से देखेंगे कि कोई भी झील हो उसकी लोकेशन कहाँ पे लोकेशन तो देखेंगे आप इसका मुख्य रूप से क्या है ऐसी जगह पे है इट इज कनेक्टेड टू द ईरान एंड सॉरी एशिया एंड यूरोप अब ये जो कंट्रीज है देखो फर्स्ट नंबर पे इसके साथ के बैंक पे जो कनेक्टेड है वो है हमारी रशिया यानी कि रूस कनेक्टेड है इसके किनारे पे स्थित है रशिया और नंबर टू है देखो कजाकिस्तान कजाकिस्तान हिंदी में लिख देता हूं कजाकिस्तान और थर्ड नंबर पे है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान और यहां से है आपका ईरान नंबर चार और नंबर पांच पे है ये जो कंट्री है अजरबैजान क्या है अजरबैजान अगर कुछ कल वाले स्टूडेंट इसमें जुड़ते हैं ना तो मैं देखता कि आगे से पढ़ाना शुरू कर देता क्योंकि अभी दो ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो इस चीज को समझें कि जो कल पढ़ाया था उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो जो फर्स्ट कंट्री है कैशपियन सागर के तट पे जो बसी हुई है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं बता रहा हूं पहले तो है रसिया अरे यार फिर से बंद हो गया ये हाँ ठीक है नाउ इट्स वर्किंग अरे कोई मेरे को वो दे दो कभी कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाता है कभी मेरा पैन टैब अब ये जो है रसिया इसकी जो कैपिटल है सभी को पता है क्या है मॉस्को है कजाकिस्तानी कैपिटल मैंने कल भी पूछी थी आज फिर पूछ रहा हूँ तुर्क मेस्तानी कल भी पूछी थी फिर आज पूछ रहा हूँ आप लोग मेरे को अभी तक कमेंट में बताए नहीं हो और ईरान की भी सभी को पता है और अजरबैजान की तो बता देता बताएँ बाकू है दो पूछ रहा हूँ लेकिन दो का जवाब कुछ एक में दे दो सही रहेगा अब ये जो है कैश पेन सी की अगर आप कॉपी करके इधर देख रहे हैं तो ये एक ऐसा मैप है जो लिया गया है गूगल मैप से इसको थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर देता हूँ ऊपर कर लेता हूँ ज्यादा बेस्ट रहेगा देखने में ये ऐसे करके देखो ये जो कैस्पियन सी है इसके जो कोने पे बसे हुए देश हैं तो पहला तो हो गया आपका ये जो रशियन टेरिटरी है ये रशिया की है ये जो टेरिटरी है ये तुर्कमेनिस्तान की है तुर्कमेनिस्तान और ये जो कंट्री है यहां से ये है आपकी कजाकिस्तान की और यहां से ये कंट्री है ये है आपकी जैसे कि लिखा हुआ दिख रहा है अजरबैजान और ये जो लिखा हुआ दिख रहा है टिब्रिज टिब्रिज कहां पे है टिब्रिज आपका है ईरान में ये पांच देश हैं एक दो तीन चार पांच तो मुख्य रूप से आप इसको याद रख लेंगे मैच मेकिंग के लिए क्वेश्चन आएगा और इसके बाद जो है कैशपेन् की बात करते हैं इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर यानी ऐसी झील है जो धरातल पे चारों तरफ से क्या है लैंड लॉक्ड है यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है और भूमि से घिरी होने के बावजूद ये है दुनिया की सबसे बड़ी झील चाहे आप इसमें लेक लेक हरून लगा लो सुपीरियर लगा लो चाहे उसमें आप जो साइबेरिया वाली झील है वो लगा लो तो मुख्य रूप से जब इतनी बड़ी झील है तो इसमें पानी का जो जमावड़ा है वो कोई ना कोई सी रिवर तो गिरती होगी इसमें आके कि रिवर कौन कौन सी गिर रही हैं तो रिवर के कुछ नाम होंगे तो जैसे कि रिवर होगी वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है फिर है आपकी यूराल रिवर यूराल एक पर्वत है यूरोप में उसके नाम से ही है तेरिक रिवर टेग रिवर के बाद है माउंट कैवरी माउंट कैवरी ऐसी कोई प्रमुख नदी नहीं है लेकिन टेरेक के आसपास से ही निकलती है लेकिन हाँ, ये जो वोल्गा है यूरल है टेरेक है इसके बारे में मुख्य रूप से कई बार पूछा जा चुका है और कैस्पियन की जो एक क्षेत्रफल है पूरे विश्व में विश्व की कंपैरिजन में या कौन सी बड़ी झील है देखो सर, स, 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 अ, सबसे बड़ी है तो 371000 किलोमीटर स्क्वायर तो तीन लाख इकहत्तर हजार किलोमीटर स्क्वायर कंट्रीज मैंने आपको बताई है ईरान है कैपिटल उसकी क्या बोलते हैं अः तेहरान है रशिया की है मॉस्को और कजाकिस्तान की है देखो अस्थाना थी अस्थाना के बाद जो उनके मतलब कि प्रेसिडेंट साहब हुए उनके नाम पे चेंज हुई है प्रेसिडेंट साहब का नाम मेरे को कल की तरह फिर से भूल गया मैं देख लेना अजरबैजान है बाकू और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्कबेट या अश्कबेट आप लोग इसको याद रख लेना कल भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था और अब आज जो टॉपिक है उसके आगे मूव करके मैं बता रहा हूँ लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील सुपीरियर झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सुपीरियर झील पेशी रूप से कहां पे है ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है तो ये देखो ये जो हिस्सा है बाउंड्री लाइन की बात कर रहे हैं हम ये एक आ, मतलब की ऐसे समांतर वाली लाइन है फिर उसके बाद ये लाइन इस टाइप से ये करके शुरू हो रही है झील के बीच में से निकाल देंगे ये टॉप पांच झील है प्रमुख झील टाइप से तो ऊपर का जो एरिया है वो है कनाडा और नीचे वाला जो एरिया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ये जो झील है मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा में भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ एरिया इसका कनाडा की साइड और कुछ एरिया इसका यूनाइटेड स्टेट्स की साइड में अब इसका जो एरिया है देखो उसका था तीन लाख इकहत्तर हजार जिसकी बात करी थी अभी कैस्पियन सी की तो सुपीरियर झील का जो सबसे बड़ा एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो बयासी किलोमीटर कितना बयासी किलोमीटर है और इसका जो कैचमेंट एरिया है तो मुख्य रूप से जो कैचमेंट एरिया अगर आप जानना चाहेंगे दो ही देशों में तो होगा ना इसका जो पानी यूज होगा या तो कनाडा में यूज होगा या फिर दूसरा कहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होगा तो दो देशों में इसका कैचमेंट एरिया है कैचमेंट एरिया बिलोंग्स टू द टू स्टेट फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूसरा है कैनेडा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ लिखा भी हुआ है बेसिन कंट्रीज बेसिन का मतलब होता है जहां जहां पे इस नदी के पानी का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा होगा चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रयोग में हो चाहे वो इरिगेशन के लिए हो चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हो चाहे वो इसमें आ, क्या बोलते हैं टूरिज्म के लिए हो तो दोनों ही कंट्रीज में यानी कि कनाडा में भी और यूएसए में भी सॉरी यूएसए और कनाडा में दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है अब इसके अलावा लेक सुपीरियर जो है फ्रेश वाटर की लेक है कैसे ताजे पानी की मीठा पानी भी बोल सकते हैं ताजा पानी भी बोल सकते हैं बस आपको क्वेश्चंस को क्रैक करना है चीट कोड्स पकड़ने हैं। तो कौन सी है फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक पूरे विश्व में लेक सुपीरियर कहाँ पे है कनाडा में कनाडा अगर आ जाए ऑप्शन में तो कनाडा कर देना यूनाइटेड स्टेट्स आ जाए यूनाइटेड स्टेट्स कर देना अगर दोनों आ जाए तो उसका जो सबसे ज्यादा पानी का जो शेयरिंग है लैंड की विहाफ पे ये कैनेडा में है ठीक है ना द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सरफेस एरिया यानी कि सरफेस धरातल के आधार पर यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है और वॉल्यूम के बेस पे यानी कि बात कर रहे हैं आयतन के बेस पे आयतन कैसे नापते हैं किसी भी चीज का कि पानी की झील की लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है तो इसके जब नापेंगे हम तो क्या कहलाएगा ये आयतन और आयतन का जो माप होगा चाहे हम मीटर से करें तो वो क्यूब में होगा है ना मीटर की घात तीन या मीटर की पावर थ्री तो ये थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की वॉल्यूम लेक है अब इसके अलावा जो ये आपका लेक है सुपीरियर ये सुपीरियर लेक है इसमें कुछ नदी तो गिरेंगी और कुछ इससे बाहर निकलेंगी तो जो आउटफ्लो है प्राइमरी आउटफ्लो जो मेजर आउटफ्लो है वो है सेंट मैरी रिवर क्या नाम है सेंट मैरी रिवर ये क्या है इसका आउटफ्लो है और जो इनफ्लो है वो है निपीगोन जैसे कि मैंने नाम लिखा हुआ है हुआन पे और इसके है, वाइट, मिशिप सुटकिया और ऑनटेगोन ऑनटॉनगोन ये जो है मुख्य रूप से इनफ्लो है इन नदियों का इनफ्लो का मतलब होता है पानी का अंदर की ओर जाना यानी कि इनसाइड और आउटफ्लो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि यहाँ पे पानी आके स्टोर हुआ अब यहां से जब ये हुआ तो किसी ना किसी वाटर बॉडी का निकलना जरूरी हो गया तो मुख्य रूप से वो आपका आउटफ्लो में काउंट होता है तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो अब इसके अलावा हम बात करेंगे लेक मिशिगन अब लेक मिशिगन की बात अगर देखते हैं मुख्य रूप से ये देखो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ना पांच सुपर लेक हैं एक एरी पानी के हिसाब से चेक कर लो आप दूसरी एरी तीसरी इसका पानी यहां तक है चौथी और पांचवी पांच जो सुपर लेक है इसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो लेक मिशिगन है आप देख रहे होंगे एक सेकंड जी ये देखो ये जो है लेक मिशिगन ये वाली है ये वाली कट कर देंगे हम सुपीरियर नहीं है तो लेक मिशिगन है अनादर ये कहां पे है कनाडा इसका सबसे ज्यादा पानी कनाडा में है और यूनाइटेड स्टेट्स की बाउंड्री लाइन पे है तो इसका जो बेसिक सी बात है जो आपका लेक मिशिगन का एक बेसिन बनेगा जहां तक मतलब कि मिशिगन का मतलब ये है कि मतलब कि बेसिन का कि जहां पे इस झील का पानी यूज हो रहा है तो वो कहाँ पे होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है कनाडा। इसके अलावा कहीं तो नहीं है अब जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो भी देखेंगे और जो इसका एरिया है मिशिगन का लेक मिशिगन जो यूनाइटेड स्टेट्स में है मशीनगन लिख दिया मैंने खामा खाए मिशीगन ये इसका जो एरिया है अट्ठावन हजार किलोमीटर स्क्वायर है और ये कहां पे है आपका नॉर्थ अमेरिका की पांच प्रमुख झीलों में से एक है जैसे कि एक पांच में की बात करें तो एक होगी सुपीरियर और दूसरी होगी आपकी मिशिगन और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट लेक है यानी कि दूसरे नंबर की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है तो पहली कौन सी हुई पहली हुई आपकी सुपीरियर ये मैंने इसमें बताया भी था आपको तो वॉल्यूम के बेस पे बात की जाए यानी कि आयतन के पे कि इसमें कितना फ्रेश पानी है इन नदियों इन झीलों की कंपैरिजन में तो ये थर्ड लार्जेस्ट है सेकंड लार्जेस्ट कौन सी थी सुपीरियर थर्ड लार्जेस्ट आज कोई बच्चे जुड़े नहीं शायद टाइमिंग गलत थी वटैवर जो लेक मिशीगन है उसकी जो लेंथ है वो है एक किलोमीटर और जो विड्थ है वो है 494 किलोमीटर तो इसका जो एरिया बनता है वो है अट्ठावन हजार किलोमीटर स्क्वायर और जो मेजर सिटीज हैं जो मिशिगन झील के किनारे जो मुख्य शहर बसे हुए हैं जैसे कि शिकागो मिशिगन सिटी है ना और मिलाउ की सिटी और ग्रैंड हेवन ये प्रमुख शहर हैं जो मिशिगन झील के किनारे पे स्थित हैं या बसे हुए हैं आई होप मेरी जो आवाज है आ, आज गूंज नहीं रही होगी और वॉल्यूम बिल्कुल सही आ रहा होगा कोई बफरिंग भी नहीं होगी और जो पीपीटी का स्लाइड्स हैं वो अच्छी बनी हुई हैं और इसके अलावा जो पीपीटी का जो फ़ॉन्ट है वो भी अच्छा है अब है अराल सी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अराल सी मौखिक रूप से या मुख्य रूप से है क्या अराल का तो इसमें क्या बोलते हैं पिक्चर ही नहीं आया कोई बात नहीं झील है हमारी लेक टिटिकाका लेक टिटिकाका का या लेक टिटिकाका का झील अब इसकी जो लोकेशन है जैसे कि आपको मैप पे दिख रहा होगा कि ये कंट्री है पेरू ये दूसरी दिख रही है हाँ पे बोलीविया अगर कोई मेरा जो यार दोस्त है जो उस टाइम पे क्लास पढ़ रहा है या पहले से देख रहा होगा तो ये जो कंट्रीज के नाम है पेरू और दूसरा है बोलीविया ये जो है आपके लैटिन अमेरिकन देश है कैसे साउथ अमेरिकन देश है साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब ये जो लेक है ये दोनों देश की सीमा पे बसी हुई है यानी कि देखेंगे आप लोग ठीक से 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 ये ये। लाइन है, इसी टाइप से ये। तो ये वाटर बॉडी थोड़ी सी आपकी बोलीबिया की साइड है और आधी वाटर बॉडी आपकी पेरू की साइड है यानी कि दोनों देशों का बाउंड्री लाइन पे स्थित है और जो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई की स्थिति पे है तो ये नौकायन झील भी है बात कर रहे हैं ये जो है यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है माउंटेन रेंज है यहाँ पे अगर आप ठीक से जूम करके देखेंगे इस टाइप से अगर आप ठीक से ये देख रहे होंगे ना ये जो रिज आपको दिख रही है मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बात देखना ये जो आपको रिजस दिख रही है ना ये पहाड़ी सी इससे यहां तक इससे यहां तक ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला में ये जो झील है ये आपकी लगभग बारह फीट की ऊंचाई पे है है ना और बात कर रहे हैं सर्वाधिक नोतलन योग्यता का जलाशय यानी कि एक ऐसा जलाशय है जिसमें क्या बोलते हैं नौकायन भी की जा सकती है और सबसे अधिक ऊंचाई पे भी स्थित है और ये साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट झील में से एक है यानी कि सबसे लार्जेस्ट झील है सबसे बड़ी है लार्जेस्ट है तो ऑटोमेटिकली बिगेस्ट भी है बात करेंगे कि एंडीज में है ना तो इसको मुख्य रूप से आप एंडीज में याद करके रखना कहीं भी गलती के रूप से आप इसको एल्प या हिमालय वगैरह मत करके आ जाना एंडीज जो है साउथ अमेरिका की एक पर्वत श्रेणी है उसी में ये आपका लेकिका का है और इसकी जो लेंथ है वो मुख्य रूप से जो बात की जाए जो लेंथ है 95 पिचानवे और है। है पैतीस इसकी, इसकी चौड़ाई मील में माइल में और एंडीज तो मैंने बताया है और एंडीज कहां पे है आपका एंडीज पर्वतमाला है आपकी साउथ अमेरिका में और इसके अलावा मुख्य रूप से अगर टीटी का के टिटिकाका के बारे में अगर हम ठीक से पढ़ते हैं तो ये क्या है हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। एक्चुअल में एक ना क्लोथ अंदर पहना हुआ है, वो बहुत ज्यादा चुभ रहा है। गलत पहना लेक टिटिकाका जो है हाइएस्ट लेक है पूरी दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर और लार्जेस्ट लेक है कहाँ की साउथ अमेरिका की और टिटी काका क्या है? वो है ऑफ़ द वर्ल्ड देखो कल एक बच्चा क्लास में ना थोड़ा सा क्रेटर और क्रेडल में कन्फ्यूज था मैं उसको क्रेटर पढ़ा रहा था और वो मेरे को डेफिनेशन बता रहे थे क्रेडल की क्रेवाज सभी को पता है कि ग्लेशियर वाले इलाके में बनते हैं क्रेडल क्रेटर अलग अलग फॉर्मेशन है ये जो है क्रेडल की जहां पे चर्चा की गई है क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड सी आर ए डी एल ई -E, क्रेडल क्रेडल जो है एक ऐसी झील का निर्माण होता है जो बहुत बड़े मैसिव यानी कि भूकंप के वजह से जो चर्चा में आई हो जिसका निर्माण एक हाई स्पीड की भूकंप की वजह से आया हुआ हो वो आपका क्रेडल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है यानी कि जो झील का निर्माण हो रहा है वो किस फॉर्मेशन पे हो रहा है ये जो है लेक लेकृतिका का मैंने बताया कि किसकी बाउंड्री लाइन पे स्थित है पेरू की और बोलिबिया की बाउंड्री लाइन पे स्थित है और मुख्य रूप से ये जो है फेमस फ्लोटिंग आइसलैंड है इसमें यूरोज उरोस बोल देते हैं इसमें मेरी ये बैक साइड के पीछे आ रहा होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर ओ एस ये क्या है फेमस इनलैंड है इनलैंड आइलैंड यानी कि फ्लोटिंग जैसे अगर हम बात करें की एक सेकेंड कहा अगर बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा ऐसा एक जिला है जो फ्लोटिंग है सभी को पता है जहाँ पे अभी एक, आ, क्या बोलते हैं मतदाता मतदान भी हुए थे एक जिला भी बनाया गया उसको भी है अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ तो इसी तरीके से तैरता हुआ आईलैंड भी है रोज रोस कहाँ पे है साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका में और किस नदी पे है किस झील में है ये है आपका लेक टिटिका का अब ये क्या है ये जो झील है मैंने आपको बताया था कि क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड है तो जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो मतलब कि जो पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं ज्योग्राफिकल अध्ययन करते हैं उन्होंने बताया है कि लेक टिटिकाका का जो अस्तित्व है वो 60 मिलियन ईयर्स पहले का है यानी कि लगभग 60 करोड़ साल पहले ये अस्तित्व में आई है लेकिन किससे आई है विद क्वेक मैसिव क्वेक यानी कि बहुत बड़े भूकंप के झटके के कारण मैसिव क्वेक को बोलते हैं अर्थ की वजह से ये झील जी, का निर्माण हुआ है यानी कि दो प्लेट आपस में टकराई होंगी मैं थोड़ा सा इसको जगह बना देता हूं तब समझा देता हूं यानी कि ये जो पर्वतमाला है आपस में ऐसे करके थोड़ा सा यहां से देखेंगे मैप का सहारा लेंगे क्योंकि उस पर समझ में नहीं आएगा प्रॉपर रूप से एक्चुअल में क्या है ये जो भूखंड है आप इसको देख रहे होंगे इधर वाला अगर आपने साउथ अमेरिका, अमेरिका का चित्र देखा होगा तो इस टाइप से है ये है ना जो लोकेशन है संभेर यहाँ पे है इसकी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एरिया पड़ जाएगा आपका पेरू ये जो पेरू लिखा, पे लिखा हुआ है तो ये जो यहाँ पे बोलीविया है तो यहाँ से जो एरिया है वो जो है कम चौड़ा है कम विड्थ है और यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है काफी अधिक है इसकी कंपैरिजन में और आगे जाके तो ऊपर ये फिनिश्ड है और नीचे जाके भी फिनिश्ड है यानी कि यहाँ से भी चौड़ाई कम है और इसके ऊपर जाएंगे तो चौड़ाई यहाँ से भी कम हो जाएगी तो जब ये इनलैंड स्टडी के अनुसार यानी कि पैलोजोइक हेलोजोइक एल्पसोगीन एल्पसोगीन इरा में साठ करोड़ साल पहले एग्जैक्टली exactly हाँ जब ये इधर टकराया होगा ना तो जब ये माउंटेन रेंज यहाँ पे डेवलप हुई होगी दो भूमि के मिलने से तो जो यहाँ पे गड्ढे का निर्माण हुआ इस वाले पेरू में अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाले क्षेत्र में तो यहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो गया और गड्ढे का निर्माण हुआ तो यहाँ पे वर्षों में पानी जमा हुआ है और नदियों के क्या ग्लेशियर्स का पानी यहाँ पे पिघल के जमा हो गया लेकिन ये क्या हुआ धीरे धीरे डेप्थ में चला गया यानी कि गहराई में चला गया तो आज यहाँ पे एक बहुत गहरी झील बनी हुई है जिसका नाम है लेक टिटी काका और लेक टिटी काका कहाँ पे है ये बनी हुई है आपकी दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में कहा पे पेरू और बोलीबिया के बीच में यानी कि पेरू देश है बोलीबिया देश है उन दोनों की लाइन के बीच में ये बनी हुई है अब देखेंगे आप दोनों की कैपिटल क्या है जो बोलीबिया है उसकी जो कैपिटल है वो है लापाज क्या है ला पाज. और ये क्या है पेरू की कैपिटल है लीमा क्या है लीमा अगर बात करें मुख्य रूप से कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है तो बात की जाएगी लापाज की लेकिन अगर हम हाँ पे हम तिब्बत के बारे में पढ़ लें जो तिब्बत की राजधानी क्या है लहासा लहासा अगर तिब्बत को ऑटोनोमस बॉडी ना मान के एक अलग से देश मान लिया जाए तो क्या होगी लहासा हाईएस्ट कैपिटल होगी किससे सी लेवल से अब इसके अलावा जो है वो है हमारी लेक मोरा केबो अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे लेक मोराकेबो के बारे में भी अरे आज कैसे हो रहा है जो लेक मोरा उसके बारे में आपने देखा होगा या पहले सुना होगा आई होप जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने तो हो हो, नहीं पढ़ा होगा ये जो कंट्री है वेनेजेला आप लोगों को पता है वेनेजेला जो है तेज तेल के यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन में एक अग्रणी देश है अग्रणी देश का मतलब होता है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है तो लेक मोरा कैबो ये आपका वेनेजुएला में ही स्थित है लेक वेनेजुएला लेक मेरा की वो कहाँ पे है कंट्री का नाम वेनेजुएला में स्थित है अब इसकी आप इनलैंड स्थिति देखेंगे तो ये जो पानी की वाटर बॉडी है और ये जो पानी की वाटर बॉडी है तो आप ठीक से देखेंगे इसका पानी इधर भी आ रहा है तो यानी कि ये एक कनेक्ट कर रहा है किसी दूसरे सागर को अपने से ऊपर जैसे कि भारत में अगर हम बात करें पूर्वी पूर्वी घाट पे तो यहाँ पे ये जो है अपनी झील है कौन सी झील है जहाँ पे एक उड़ीसा में झील है उसका नाम अभी मार्क से क्लिक नहीं हो रहा तो वो भी तो एक इनलैंड है कनेक्टेड करती है बंगाल की खाड़ी को ठीक इसी तरीके से ये भी जो है मोरा वो ये कनेक्ट कर रही है इस वाली वाटर बॉडी को और ये जो वाटर बॉडी है ये कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली स्लाइड्स में लेक मोरा की वो जो है एक तरीके से ये टाइडल से टाइड से या टाइडल बोल सकते हो अब टाइडल से निर्मित हुई है यानी कि एक तरीके से ज्वार भाटे के पानी से ये अस्तित्व में आई है और दूसरा है ये कनेक्ट करती है इनलेट ऑफ द कैरिबियन सी इनलेट ऑफ दिन के साइड में जाएंगे तो कैरेबियन पड़ेंगे West Indies तो लिखा हुआ इनलेट ऑफ द कैरेबियन सी कैरेबियन सी को जोड़ती है आपकी झील क्या नाम है उसका मेरा केबो और ये पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में लीडिंग कंट्रीज है वेनेजुएला किस चीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अगर बात करेंगे तो सऊदी अरब से ज्यादा तेल होता है यहां पे तो देखेंगे इसमें ड्रिल्ड जो सबसे पहले हुआ था यानी कि जो कच्चे तेल का जो बोलते हैं इसको कच्चे तेल का जो उत्पादन शुरू हुआ था वो 1917 में शुरू हुआ है और 1917 में शुरू होने के बाद से यहाँ पे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटिन्यू माइनिंग में चल रहा है कंटिन्यू माइनिंग में है अब ये जो है जिसको कनेक्ट कर रहा है लेक मोरा कैबो ठीक से देखेंगे ये जो है ऐसे करके ऐसे करके यहां पे इसकी लोकेशन है इधर कैरेबियन सी हो गया इधर कुछ और सी है तो ये है आपकी गल्फ ऑफ वेनेजुएला और ये जो कनेक्ट कर रहा है किसको कर रहा है गल्फ ऑफ वेनेजुएला और दूसरा है जहां पे वो स्ट्रेट बनी हुई है टैब्लाजो मैं आपको मैप आप के थ्रू समझाता हूं ये देखेंगे आप ये जो पानी की बॉडी यहाँ पे है ना जहां पे लिखा हुआ मैर का वो इसको बोलते हैं टैब्लाजो क्या बोलते हैं टैब्लाजो यहां से यहां तक की पानी की जो भी हमारी बॉडी है और ये जो है पानी की बॉडी जहां पे ये ब्लू ब्लू कलर का है मुख्य रूप से इसको कहा जाता है कैरेबियन सी कैरेबियन hmm. सी इसको आप याद रखेंगे भूलना नहीं है और इसके बाद जो बात करेंगे हम डेड सी जो दुनिया में ये डेड सी है तो क्यों है डेड सी इसे क्यों कहा जाता है देखो डेड सी का मतलब है जो मृत हो मृत सागर मृत सागर का मतलब है उसके अंदर कोई सा भी जीव नहीं है यानी कि नो लाइफ अब नो no लाइफ होने का एक ही कारण है कि यहाँ पे क्या नहीं क्या हो सकता है यहां पे सबसे ज्यादा क्या हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है यानी कि बहुत टाइप के मिनरल्स हैं तो आयोडीन भी है आयोडीन है मैग्नीशियम भी है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो यहां पे जीवन की संभावनाओं को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और जो साल्टिनिटी है जो यहाँ की साल्टिनिटी को क्या बोलते हैं हम लवणता गया साल्टिनिटी ऑफ दिस वाटर इज वेरी हाई साल्टिनिटी वाटर इज़ इज़ ऑफ़ दिस एरिया वेरी हाई. तो मुख्य रूप से आप देखेंगे इसकी जो लोकेशन है देखो आप गूगल अपने आप से भी कर लेना आप ये आपका कंट्री है जॉर्डन. जॉर्डन की बाउंड्री लाइन थोड़ी यहां तक जा रही है लेकिन यहां पे कौन सी कंट्री है ये जिसकी बाउंड्री लाइन ये शेयर हो रही है ये है इसराइल इसराइल और ये यहाँ की जो लोकेशन है मुख्य रूप से देखेंगे जेरूसलम वाली जो एरिया है जैसे इसराइल तो यहाँ तक जा रहा है लेकिन यहाँ पे एक कंट्री और है, छोटा सा इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक आपको लिखा हुआ शायद दिख नहीं रहा होगा ये देखेंगे वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है इस भूमि को लेके उसी के बारे में बता रहा हूं डेड सी जो है इसका जो बौंड लाइन है वो जॉर्डन से ईस्ट था, जॉर्डन इधर है ऐसे ऐसे करके इसका ईस्ट तथा इसराइल एंड द वेस्ट बैंक तो द वेस्ट जैसे कि मैं आपको बता रहा था देखो आप इसराइल यहां से वेस्ट बैंक यहाँ से और जॉर्डन का साइड यहाँ से तो यहाँ पे जाके आपकी ये बनता है डेड सी और डेड सी में जो सबसे ज्यादा मात्रा मिल रही है साल्टेटी की मिल रही है साल्टेनिटी का मतलब आप लोगों को पता ही है कि पानी में खनिजों का ज्यादा होना आयोडीन का ज्यादा होना लेकिन हाँ इसकी साल्टनिटी इस लेवल की है ना तो ये यूज नमक में आ सकती है ना ये किसी और चीज में आ सकती है तो जो डेड सी का जो बेसिन है मुख्य रूप से कहाँ पे है वो है इसराइल में वो है जॉर्डन में वो है फेलस्तीन में जिसको फिलिस्तीन बोलते हैं फैलस्तीन या फिलिस्तीन डेड सी का जो साल्ट है वो कहां, कहां पर जो पानी है वो कहाँ पे है वो है जॉर्डन में और इसराइल में और वेस्ट बैंक जगह का नाम है वेस्ट बैंक ठीक है ना और इसका अगर बात करें कि समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है तो वो आपने देखा होगा समुद्र तल से जितनी भी जगह होंगी सी लेवल से उसकी एक ऊंचाई होती है लेकिन ये जो है डेड सी ये लोवेस्ट पार्ट में जाता है ये है आपका 440 मीटर नीचे नीचे की ओर और ये सबसे निचला बिंदु कहा जाता है किसी भी सागर का किसको डेड सी को और डेड सी कहाँ पे है ये आपका एशियन कंट्रीज में है कौन कौन सी है एशियन कंट्रीज बोल दो आप गल्फ कंट्रीज बोल दो सेंट्रल एशिया बोल दो ये देखो जॉर्डन है इसराइल है और वेस्ट बैंक है और जॉर्डन जो है इसमें जो रिफ्ट है वो एक इसकी ट्रिब्यूट्री भी है जोर्डन रिवर की जोर्डन रिफ्ट जो है जोर्डन रिवर की ट्रिब्यूट्री है सहायक नदी है जो आपकी डेड सी में जाके गिरती है अब इसकी जो साल्टनिटी है वाटर की वो किसी और चीज में तो यूज होगी ना वो जो यूज हो रही है वो कैसे कैसे होगी जो यहाँ पे एक इसके क्या बोलते हैं इसको साफ कर दो वेट जो रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में स्पा जो बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यानी कि इसका जो पानी है या जो इसका डस्ट है वो यूज किया जाता है कि बहुत सारी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए एक तरीके से इसका स्पा दिया जाता है और ये जो बिजनेस है स्पा का इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है क्योंकि एक तरीके से यहां पे जो भारत जैसे कंट्रीज की बात करेंगे तो ये मिनरल्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो इन देशों की कंपैरिजन में स्पा का जो बिजनेस है यहाँ पे उतना फल नहीं है यानी कि लीगल रूप से आप समझ रहे होंगे लेकिन इन कंट्रीज में अगर आप जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए स्किन की ट्रीटमेंट के लिए स्पा के फॉर्मेशन के लिए तो आपको यहाँ पे बहुत कम दामों में बहुत ही क्वालिटी के बेसिस पे आपको ये सब चीजें सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो डेड सी के बारे में हो गया है ना अब जो नई झील है उसके बारे में भी पढ़ेंगे लेख हरून या हरून हुरन अंत में वही एक झील बच रही है हमारी जो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की बताई थी तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है अब यूनाइटेड स्टेट्स में है तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स मैप पे दिख रहा होगा सभी को और दूसरा जो स्टेट है वो है कनाडा इन दोनों की बाउंड्री लाइन आप लोगों को दिख रही होगी ये पैरल टाइप की लाइन है ऐसे यहां से पैरल नहीं है लेकिन पानी के अंदर से गई ये बाउंड्री लाइन इस टाइप से है ना तो दोस्तों आप लोग इसको देख रहे होंगे जो हुरून लेक है ये थोड़ी सी इधर है कनाडा साइड थोड़ी सी ये यूनाइटेड साइड है अब ये जो है मुख्य रूप से जो उसका पानी है सुपीरियर का तो इधर है बाकी का कुछ नदियों का उधर है तो ये जो है कंप्लीट रूप से आपका नॉर्थ अमेरिका ये तो पूरा नॉर्थ अमेरिका है लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही मानी जाएगी और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में अब ये जो है ये भी पांच मुख्य झीलों में से एक है जैसे कि लेक सुपीरियर है लेक हरून हो गई लेक और भी है दो तीन के नाम में भी भूल गया उसको जो मैं अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था लेक मिशिगन है लेक सुपीरियर है लेक मिशिगन है लेक हुरून है अब इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं हरून लेक के हुरून लेक के किनारे जो शहर बसे हुए हैं देखेंगे पोर्ट हुरून है सारनिया है गोल्ड रिच है सैगीनाउ है एल्पनिया है बे सिटी है अनसाउंडेड है सेंट लागेंस है और च्यूबोगेन है च्यू अब मुख्य रूप से जो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे ये यही है और अब कोई मेरा दोस्त अगर किसी झील के बारे में कोई पूछना चाहता है तो मैं बता दूंगा और नहीं तो मैं इसको कंप्लीटली एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूं आप लोगों को ताकि किसी को कोई डाउट ना हो देखो एक रिवर है लिम्पोपो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाना बताया था किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर लिम्पोपो के बारे में जो फैक्ट बता देना तो शायद वो आज जुड़े हुए नहीं है तो अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो प्लीज समझ जाना मैं इसमें कमेंट कर दूंगा कि प्लीज चेक दिस वीडियो तो इसका जो ऑरिजिन पॉइंट है आप ठीक से देखेंगे एक जगह का नाम है यहाँ पे क्या नाम है मारिको मारिको ठीक है और फ्लोशन रूट देखेंगे ये जो जहां जहां पे मेरा करजल चल रहा है और जो ये बाकी की नदियां हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं और बाकी ये जो करजल मेरा आगे चल रहा है अब ये है जो मेरे बैक के पीछे आपको दिख रहा होगा जहां पे ये दिख नहीं रहा आपको जहां पे मैंने सर्कल बनाया है थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ दिख रहा होगा इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर हिंद महासागर में इस नदी का माउथ है माउथ बोल देंगे ड्रेनेज सिस्टम बोल देंगे या फिर इसको डिस्चार्ज पॉइंट भी बोलेंगे यानी कि जहां पे नदियां अपने द्वारा लाएगी मिट्टी को फाइनली डाल देती हैं गिरा देती हैं वो कहलाएगा रिवर्स माउथ या माउथ ऑफ द रिवर अब ये गिरती कहाँ पे है इंडियन ओशन में अब ये जो है ये लिम्पोपन नदी आप देख रहे होंगे इसको कहा जाता है क्रोकोडाइल रिवर क्या कहा जाता है क्रोकोडाइल रिवर क्रोकोडाइल रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरे विश्व की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में क्रोकोडाइल यानी कि घड़ियाल मिलते हैं इसलिए इसको कहा जाता है लिम्पोपो को क्या कहा जाता है क्रोकोडाइल रिवर अब आप ठीक से यहाँ पे देखेंगे ना तो जो पूरे ग्लोब ये पूरा समझो ग्लोब है ये एक लाइन है बीच में से इक्वेटर ये बीच में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये बीच में आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ठीक है ना तो ये आपका कैप्रिकॉन को दो बार कट करती है एक बार यहां से और एक बार यहां से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि, कि कैप्रिकॉन को ये कट करती है कितनी बार दो बार तो मुख्य रूप से यही बात है कि जो लिम्पोपो नदी है दक्षिण मध्य अफ्रीका की प्रमुख नदी है और मुख्य रूप से कहां पे है ये है आपकी साउथ अफ्रीका में और ये नदी जो गिरती है इसका जो माउथ है वो है इंडियन ओशियन है ना अब ये जिम्बोजी नदी के बाद ये दूसरी नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है तो पहली कौन सी गिरती है जेम्बोजी और दूसरी कौन सी है लिम्पोपो अलिम्पोपो नदी को क्या कहा जा रहा है मैंने बताया था कि घड़ियाल नदी क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल पूरी दुनिया की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मिलते हैं और ये फ्रीका लिख दिया ये अफ्रीका है अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है ट्रेसवाल एक जगह है ये अगर आप ऐसा करके मैप देखेंगे ठीक से तो ये दक्षिण अफ्रीका हो गया तो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग देखो ईस्टर्न साइड ये दक्षिणी पार्ट ये तो दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम की ओर ये एक क्या है ये एक बाउंड्री लाइन बनाती है इस से. देखो जो फ्लोरिशन रूट है इसका इसका एंगल भी तो यू है ना यही बात मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये जो गिर रही है ओशन में जाके इंडियन ओशन में वो कुछ इस तरीके से गिर रही है ऐसे करा के ठीक है अब इसमें क्या है जो आपकी रिवर है लिंपोपो इसमें बहुत बड़े निक्षेप मिलेंगे निक्षेप का मतलब होता है डिपोजिट डिपोजिट मतलब होता है अवसादों का जमा होना तो किस किस चीज के अवसाद मिल रहे हैं कॉपर के और गोल्ड के भी हैं गोल्ड के भी अवसाद हैं कॉपर के भी हैं और और और, और मकर रेखा को दो बार कट करती है टू टाइम्स एक बार यहाँ से करती है एक बार यहाँ से करेगी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ को उसको कट करेगी यानी कि जोग्राफिकल लैंग्वेज जो में उसको बोलेंगे तो साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी भाग को ये दो बार कट करती है अब इसके अलावा ये जो भारत की रिवर है माही रिवर माही रिवर जो है भारत का जो एरिया है कुछ इस टाइप से है तो भारत से जो मध्य जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा तो कर्क रेखा को माही रिवर दो बार कट करती है और जो इक्वेटर वाली लाइन है ऐसे ऐसे करके ये मैं बता देता हूं ऐसा कर ये अफ्रीका का मैप है इस टाइप से बीच में आपका जीरो डिग्री है इक्वेटर है ना सॉरी इधर लगेगा सिंबल ये जीरो डिग्री इक्वेटर इसको जो है दो बार कट करती है कांगो रिवर ये आप याद रखना इसको कहीं भूलना मत यानी कि बात करेंगे हम कांगो की तो कांगो कर्क रेखा को दो बार कट भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है जिसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री क्वेटर, और ये जो है आ, माही रिवर भारत की ये कर्क रेखा को दो बार कट करती है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री को और जो रिवर आपकी लिम्पोपो है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन यानी कि साढ़े तेईस डिग्री साउथ को कट करती है इस टाइप से साउथ अफ्रीका में आई होप कोई बच्चा है नहीं ऑनलाइन कोई बात नहीं इसको मैं साफ कर देता हूं आप लोग इसको समझ सकते हैं ठीक से माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है कौन से डिस्ट्रिक्ट से है धार डिस्ट्रिक्ट से है और ये जो है आपकी मिंडा एक जगह का नाम है मिंडा और विंध्याचल पर्वत में है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट धार और माउंटेन का नाम रखो विंध्याचल और कुछ नहीं है इसमें याद करने लायक अब ये जो है अरावली में जैसमन झील है जैसमन झील जो है एक नेचुरल झील है और ये मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है देखो धार से निकल रही है झबुआ जाएगी रतलाम जाएगी इन जिलों से होते फिर गुजरात पहले जाएगी राजस्थान फिर जाएगी गुजरात और ये जाती हुई वहां पे कहा गिरेगी गल्फ ऑफ खंबात में इसका मैप मेरे पास है नहीं कहां पे गिरेगी गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये गिर जाएगी और गल्फ ऑफ खंबात जो है जो पार्ट है वो किसका है ये पार्ट है आपका अरब सागर का पार्ट है और इसके बाद जो है हम बात करेंगे अमूर रिवर अमूर रिवर की चर्चा करेंगे तो अमूर नाम लग रहा होगा कहीं विदेशी नाम है जरूर है अमूर रिवर जो है अगर बात करेंगे लेंथ के बेस पे तो दुनिया की ये दसवीं सबसे लंबी नदी है कौन सी दसवीं सबसे लंबी नदी है और ये जैसे कि ऊपर का कंट्री है रसिया नीचे वाला कंट्री है मंगोलिया इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री लाइन बनाती है और आप लोगों को पता होना चाहिए जो मंगोलिया की कैपिटल है वो है आ, उलान बटोर और रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती है और आमूर नदी का जो कैचमेंट एरिया है ये कहां, कहां पे है एक तो है रशिया में चाइना में और साथ में ये है आपका मंगोलिया हाँ लेकिन बात करी थी ना मैंने बाउंड्री लाइन की ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाती है ये बनाती है चाइना के साथ हाँ मंगोलिया के साथ नहीं है एक्चुअली मंगोलिया के साथ इसका कैचमेंट एरिया है यहां तक पानी की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं तो ये जो चाइना में इंटरनेशनल आई बी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन किसकी जेतों के साथ ऊपर वाला देश हो गया चाइना नीचे वाला हो गया ऊपर वाला देश है रशिया नीचे वाला देश है चाइना अब है आपका मैकोंग रिवर मैकोंग रिवर जो है प्रमुख नदी है विश्व की और यह आपके तिब्बत के प्लेटों से शुरू हो रही है वैसे भी तिब्बत के प्लेट से और भी बहुत सारी नदियां जो शुरू हो रही है जैसे कि भारत में आने वाली है इंडस ब्रह्मपुत्र और फिर है सतलुज बहुत सारी है व्यास तो खैर हिमाचल के आसपास से शुरू हो जाती है उसकी चर्चा नहीं कर रहे और इसके अलावा तीसता भी है जो इन, इन तीसता जो है मुख्य रूप से नेपाल के ऊपर वाले एरिया से निकलती है लेकिन क्या है वो पूरा तिब्बत के प्लेट में ही काउंट हो रहा है वो एरिया इंडस और ब्रह्मपुत्र को तो याद रखेंगे लेकिन हम मुख्य रूप से आज बात कर रहे हैं मेकोंग रिवर की मेकोंग रिवर निकलती कहाँ से ये निकलती है तिब्बत से और ये चीन का जो सज्यांग यूनान स्टेट है ना वहां से होते हुए निकल जाती है म्यांमार थाईलैंड लाओस और कंबोडिया और कंबोडिया के बाद ये जाके गिर जाती है आपकी साउथ चाइना सी में किसमें साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर में और लंबाई के अनुसार देखो मैकोंग की बात करी है तो ये तेरहवीं नंबर की है और आमूर की बात करी थी वो दसवें नंबर की है और नंबर वन पे कौन सी है वो नाइल है और नंबर टू पे कौन सी है वो है हमारी एमेजन ठीक है ना अब ये जो भाव में अनियमितता के कारण जल प्रपात के कारण इसका अधिकांश भाग नौकाओं के लिए अगम्य है इसका मतलब ये है कि ये जो मेको का जो रूट है ना बहने का इसका जो रूट है बहुत ही ज्यादा स्टीप स्टीप टाइप का है। का है मतलब होता है बहुत ज्यादा ढलानदार और ढलानदार होने की वजह से जो पानी की गति है वो बहुत तेज होगी और जब पानी की गति तेज होगी तो उसमें जो शिप्स हैं या जो उसमें नौका है जिसको बोलते हैं हम नाव छोटी वाली बोट टोटल मिला के इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बोल बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा स्टीप है एक बार जो है पानी में स्पीड तो कंट्रोल की जा सकती है लेकिन स्टीप होना ये बहुत रिस्की है जो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अधिक रिस्की बना देता है तो बात करते हैं आगे जो मरे डार्लिंग नदियां हैं उसकी बात कर रहे हैं मरे और डार्लिंग नदियां मरे और डार्लिंग नदियां जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन एल्प से निकलती हैं देखो एल्प जो है आपका वो यू, आ, यूरोप में भी है लेकिन यूरोप का जो पर्वत है वो काफी प्रमुख है युग के निर्माण के कारण हुआ है जो ऑस्ट्रेलियन एल्प है इसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा अगर आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो नदी है मरे और डार्लिंग इनका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है जो उद्गम स्थल है याद रखो ना ऑस्ट्रेलियन एल्प अगर वो एल्प भी दे देना तो गलत नहीं मानना इसको क्योंकि इसमें सामने इसके ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलियन लिखा हुआ भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो कंफ्यूज ना होना हालांकि ऐसा जरूर होगा कि जो दूसरी नदियां होंगी वो एल्प के नाम से नहीं दी जाएंगी जब मैच मेकिंग में ये आएगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते तो मुख्य रूप से आप समझेंगे कि ये जो जो मरे डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल है वो कहां से है वो है आपका ऑस्ट्रेलियन एल्प माउंटेन से और जो डार्लिंग का जो सोर्स है वो है कुल गोवा रिवर कुल गोवा रिवर देखो एक ब्रांच बनती है कुल गोवा रिवर और दूसरी बनती है इसकी बैरवोन बैरोवन रिवर और जो माउथ है इसका जब डार्लिंग नदी चलती है जो ये जाके गिरती है आपकी मरे में मरे नदी में मिल जाएगी तो तभी तो बनके कहलाएगी मरे और डार्लिंग रिवर्स अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने इंडियंस रिवर्स पढ़ी होगी ना तो एक नदी चली यहां से तुंग और दूसरी यहां से चली भद्रा तो आगे जाके जो ये रूट बना इसको बोलेंगे हम तुंग भद्रा तो इसी टाइप से एक जगह से आई मरे दूसरी जगह से आई डार्लिंग दोनों बनेगी मरे और डार्लिंग नदियां ये कहां पे है आपकी ये है आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कहां पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जोनों का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है ऑस्ट्रेलियन एल्प से ये आप याद रखना एल्प्स यूरोप वाला नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला अब जो मरे है इसकी जो मेन स्ट्रीम है किसकी जो मरे रिवर्स है ये मेन स्ट्रीम किसकी है ये खुद की है और डार्लिंग रिवर्स की भी है और जो लेंथ है इन दोनों की मिला के वो है दो हजार पांच सौ तीस किलोमीटर सभी को पता है पच्चीस किलोमीटर और ये फाइनली इसका जो माउथ है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ पे है वो है इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन में गिरती है और इसके अलावा जो इसमें एक रिवर्स जो टाउन्स हैं मरे डार्लिंग के जो दोनों साइड इस रूट है लेफ्ट विंग और राइट विंग पे जो टाउन्स हैं वो है प्रमुख इचुआ स्वान हिल रेनमार्क और मरे ब्रिज अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी सबको पता है जॉर्ज एवरेस्ट लेकिन उससे पहले एक उस चढ़ चुका था मैंने कल भी बताई थी ये बात आप लोगों को तो इस रिवर का नाम जो है मरे डार्लिंग का तो मरे या मुरे हम तो हिंदी टर्म में मरे बोलते लेकिन मुरे करके है ये तो इसकी जो खोज की थी वो की गई थी सर जॉर्ज मुरे ने जी ओ आर जॉर्ज मरे तो इन्हीं के नामकरण पे इस नदी का नाम घोषित हुआ मुरे रिवर तो मुख्य रूप से आगे जो बात करेंगे हम ये झील की बात बताई थी मैंने कल बताई थी बेसिकली लेकिन झील की जो डेफिनेशन है किसी बच्चे ने बताई डेफिनेशन वो है द लेक सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि ये आपकी एक अर्थ है इसके बीच में कहीं भी एक गड्ढा है जिसमें पानी भर रहा है चाहे वो रेनफॉल की, जग... की वजह से हो चाहे वो आपका टाइडल की वजह से हो बस पानी उसमें भर रहा है और ये ऐसा हर साल हो रहा है तो ये आपका क्या है झील का रूप ले लेगा अब इसमें ये जो है साइज जो होगा इसका बहुत विस्तृत होगा एक लार्ज होगा तो ये झील का निर्माण हो जाएगा झील कहलाएगा झील जो है आपकी चार प्रकार की होती है

गतिविधियों में कुछ परिवर्तन आया कुछ चेंज आया इसमें कुछ चेंजेस हो गए तो ये जो है ये कुछ इसका आकार इस टाइप का हो जाएगा तो यहां से जो पानी बहना शुरू होगा ये जो पानी भरना शुरू हो जाएगा वो कहलाएगा आपका फॉल्ट लेक है ना यानी कि विभ्रंश या भ्रंश लेक भ्रंश झील दूसरा है आपका क्रेटर तीसरा है ग्लेशियर यानी कि क्लेशियर का मतलब है एक पर्वत श्रेणी ऊपर है एक पर्वत श्रेणी आपके दाएं है एक बाएं है एक डाउन में ये जो आपका गड्ढा बनेगा यानी कि ग्लेशियर जो है बर्फ यहाँ पे पिघल के इसके अंदर जमा होगी इधर से भी इधर से भी तो जो पानी का निर्माण होगा यहाँ पे जमा हो जाएगा डिपोजिट होगा वो आपका ग्लेशियर झील कहलाएगी जैसे कि बोलिविया की टिटिका का लेक है एवरान लेक है ये जो लोनार है ना ये ग्लेशियर फॉर्म में नहीं है अब जैसे कि भारत में आ जाओ आप सतोपंथ लेक है हिमाचल में सॉरी हिमालय में उत्तराखंड में और दूसरी है हेमकुंड वाली लेक ब्रह्मताल सूर्यताल ये जितने भी लेक हैं ये आपकी ग्लेशियर फॉर्मेशन में अवेलेबल है अब दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा कल वाला रिफ्रेश कराया जिस बच्चे ने कल पढ़ा होगा उसको देख लेना अदरवाइज क्लास आज के लिए वाइंड अप है और, और, और इसको कल से फिर शुरू करेंगे नए टॉपिक के साथ और आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरा नाम है कृपा शंकर और प्लीज वाई यू सब्सक्राइब मी प्लीज यूज माई कोड के आर आई पी ए और एरिक में वन ये जो मेरा कोड आपको दिख रहा होगा के आर आई पी ए नुमेरिक में वन प्लीज जब आपको यूज करेंगे तो आपको इस पर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और माई डियर फ्रेंड प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विच योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामेशन थैंक यू गुड बाय टेक केयर